फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद एक्शन मोड में एसएमएस मेडिकल कॉलेज है, एनेस्थीसिया एचओडी डॉक्टर श्रीफल मीरा को हटाया गया है, डॉक्टर सुशील भाटी को नई जिम्मेदारी मिली है। एसएमएस में एमडी एनेस्थीसिया की प्रायोगिक परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा प्रकरण है। एमडी की प्रैक्टिकल परीक्षा में प्राइवेट चिकित्सक को बना दिया गया था परीक्षक, और इस पूरे मामले में जांच के बाद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त घनश्याम ने 4 दिन पहले दिए थे कार्रवाई के निर्देश भी, लेकिन पिछले 2 वर्किंग डे के दौरान कॉलेज में इधर से उधर घूमते रहे आदेश। फर्स्ट इंडिया ने कल प्रमुखता से चलाई थी सरकार के आदेश पर कार्रवाई ना होने की खबर। फिर आनंद फानन में डॉक्टर श्रीफल मीरा को हटाकर डॉक्टर सुशील भाटी को बनाया गया एनेस्थीसिया एचओडी। हालांकि खुद के बचाव के लिए कॉलेज प्रशासन ने बैकडेट में ये आदेश निकाले थे। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अब फर्स्ट इंडिया ने जिस तरह से प्रमुखता से खबर चलाई, एक्शन मोड में एसएमएस मेडिकल कॉलेज नजर आ रहा है, अब किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा जहां पर एचओडी को भी हटाया गया? हाँ बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी खबर थी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज को सरकार ने डायरेक्शन दिए थे, और डायरेक्शन देने के बाद में अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से सख्ती दिखाई गई है, और उसमें एनएसपीसी एचओडी जो है उनको हटा दिया गया। उसके आदेश जो है एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल जो है राजीव बगट्टा, उन्होंने जारी कर दिए। उसके साथ में जो उनके लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि उनको परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित किया जाए, उसका भी प्रस्ताव बनाकर आरईएचएस को भेज दिया गया है। इसके साथ में जो नई जिम्मेदारी एचओडी की है वो डॉक्टर सुशील भाटी को दी गई है। ये तमाम जो एक्सरसाइज है वो एचएमएस मेडिकल कॉलेज ने की थी, और उसके बाद में पूरी जांच के बाद में सरकार को प्रस्ताव बना के भेजा था, और सरकार की तरफ से 16 तारीख को एक डायरेक्शन जारी किए गए थे जिसमें कि इनको हटाना। कल फर्स्ट इंडिया ने इस बारे में खबर भी चलाई थी, उसके बाद में अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए जिसमें कि एनएसपीसीया एचओडी को आखिरकार हटा दिया गया और उनकी जगह डॉक्टर सुशील भाटी जो है उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब नई जिम्मेदारी यहां पर दे दी गई है। एमडी एनेस्थीसिया की प्रायोगिक परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ यह पूरा प्रकरण था, जिसे प्रमुखता से खबर भी चलाई गई क्योंकि जो आदेश निकाले गए थे उसकी पालना नहीं हो रही थी, जिसके बाद अब एक्शन में एसएमएस प्रशासन नजर आया।